विशेष करियर में उन्नति की उत्सुकता, छटपटाहट और कोशिशें तेज हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत तो आपकी राशि के लिए अच्छी है, लेकिन बीच के 2 दिनों में आप परेशान हो सकते हैं। जोखिम भरे कामों से दूर रहे, आपके ऑफिस में कोई समस्या हो सकती है। सप्ताह के बीच के दिनों के बाद नई नौकरी का कोई ऑफर भी मिल सकता है, लेकिन उसमें आप कई तरह के मामलों में बंधे हो सकते हैं। इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लोगों से मदद मिल सकती है। आपके सोचे हुए छोटे मोटे काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं। सेहत पर भी खर्चा हो सकता है, लेकिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इन दिनों में आप अपने निर्णय और बात करने के स्टाइल में सुधार करेंगे। खुद पर और दोस्तों पर खर्चा हो सकता है, परिवार पर भी खर्चा ज्यादा होने के योग है। सेहत संबंधित परेशानियां कुछ कम होने की संभावना है। वह इस सप्ताह आपका पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर आपसे रूठ सकता है। रूठ नाम नाना भी चलता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स को सीनियर्स की मदद मिल सकती है। नए लोगों से भी मिलना होगा। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में आपके हर तरह के काम पूरे हो सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामलों में उतार चढ़ाव भरा समय हो सकता है। पुराना रोग खत्म होगा तो नई परेशानी शुरू हो सकती है। वृष करियर के नजरिए से कुछ अच्छे ऑप्शन इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। साथ काम करने वालों की मेहनत का थोड़ा फायदा भी आपको मिल सकता है। ऑफिस में अपने से बड़े और छोटे लोगों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। इस सप्ताह कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां अपने आप वैसी हो जाएंगी जैसा आपने सोचा है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको फायदा तो होगा, लेकिन वो भी सीधे सीधे नहीं मिलेगा। सप्ताह के बढ़ते दिनों में आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। हफ्ते के आखिरी दिनों में दौड़ भाग के साथ खर्चा भी ज्यादा करना पड़ सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में किस्मत के भरोसे कोई काम ना करें। सेहत को लेकर भी सावधान रहना होगा। पेट और पानी से संबंधित रोग होने की संभावना है। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। वह इन 7 दिनों में पार्टनर आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। पार्टनर से आपको प्यार भी मिलेगा। क्लियर वृष राशि के स्टूडेंट्स और धूप से परेशान हो सकते हैं। इन 7 दिनों में आपके कांटेक्ट और मजबूत हो सकते हैं। धन लाभ भी होगा। हेल्थ ज्यादा चटपटा भोजन ना करें। पेट संबंधित परेशानियां बढ़ने की संभावना है। पानी की कमी या खराब पानी के उपयोग से परेशान हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 7 दिन खास हो सकते हैं। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के किस्मत के घर से लाभ भाव तक रहेगा। इसके प्रभाव से नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। धन भी लाभ हो सकता है। अविवाहित लोगों को शादी के ऑफर भी मिल सकते हैं। यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता और पैतृक व्यवसाय में भी आपको फायदा होने की संभावना है। अनचाहे फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे। पैसों के क्षेत्र में बड़ा फायदा आपको हो सकता है। इन दिनों में जितना धन लाभ होगा उतना खर्चा भी हो सकता है। अचानक कोई अच्छा मौका मिल सकता है, उसे हाथों हाथ स्वीकार कर ले। अधिकारी आपके कामकाज की समीक्षा करेंगे जिसके नतीजे आपके फेवर में हो सकते हैं। आपको लेकर लोगों की गलतफहमी दूर हो सकती है। आप बिजनेस करते हैं तो किसी दोस्त के साथ मिलकर इस सप्ताह नई शुरुआत कर सकते हैं। फिजूल खर्च पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में प्यार बढ़ा सकता है। क्लियर मिथुन राशि के सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट सावधानी से आगे बढ़ें। इन दिनों में जरूरी दस्तावेज या कागज भी गुम होने की संभावना बन रही है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो सकती है। लेखन संबंधित मामलों में सावधान रहेंगे। इन 7 दिनों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। पुराने रोगों में दर्द या जलन भी बढ़ने की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन परेशानी वाले रहेंगे।
इन दिनों में आपको अपनी गुप्त बातों को लेकर सावधान रहना होगा। आपकी पर्सनल डिटेल इन दिनों में सार्वजनिक भी हो सकती है। चोट लगने का डर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत परेशानियों से होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फायदा होगा। इन दिनों में बाहरी स्थानों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप सही दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपके काम आने वाला कोई मशीनी उपकरण या वाहन इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में समस्या पैदा कर सकता है। सप्ताह के बीच के दिनों में आप कोई बड़ा फैसला ना करें। यात्रा की योजना बनेगी। इन दिनों के बीच में चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य और कर्म भाव में रहेगा। इससे आपके लिए समय शुभ रहेगा। धन लाभ हो सकता है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपने पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। लव लाइफ के मामले में ये 7 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्लियर। इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखें। सक्सेस के लिए शॉर्टकट न लें। कार्यक्षेत्र में सोच समझ कर लिए गए फैसले आपको बड़ा फायदा दे सकते हैं। हेल्थ कर्क राशि वालों को खराब पानी से होने वाले रोग परेशान कर सकते हैं। सिंह यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। आपको परेशानियों के बावजूद सफलता मिल सकती है। सप्ताह के बीच के 2 दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। तब इन दिनों में आपको जोखिम भरा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इन आपकी सेविंग खत्म हो सकती है। चोट या दुर्घटना का भी योग बन रहा है। इस सप्ताह आपके कुछ काम अधूरे रहेंगे तो कुछ जरूरी काम पूरे भी हो सकते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रेमी के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। आप नौकरी बदलने या नौकरी ढूंढने का मन बना रहे हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स अपडेट करें, बात करना शुरू करें। समय आपके फेवर में हो सकता है। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अब ज्यादा गंभीर हो जाएं। सप्ताह के आखिरी दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होगा, तब आपके काम पूरे होने लगेंगे। निजी संबंधों में परेशानियां खत्म होंगी। लोगों से तारीफ मिलेगी। किसी पुराने व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। इन दिनों में पार्टनर के सामने संयम से रहे, मुंह ना खोले। आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय पहले से ठीक रहेगा। कोई नया फैसला लेने के लिए सप्ताह के आखिरी दिन आपके लिए ठीक है। इस सप्ताह आपकी परेशानियां खत्म हो सकती है। हेल्थ सेहत में गिरावट महसूस हो सकती है। नींद की कमी और थकान से भी आप परेशान रहेंगे। कन्या, पुरानी परेशानियां खत्म होने की संभावनाएं हैं। इन दिनों में धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित होता जाएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ मिल सकता है। शिक्षा और संतान के मामलों को लेकर व्यस्तता बढ़ सकती है। मेहनत भी ज्यादा रहेगी और आराम करने का मौका कम मिल सकेगा। सप्ताह के आखिरी दिनों में सावधानी रखें। इन दिनों में आपको धन लाभ होगा, लेकिन 1-2 दिन बाद खर्चा भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपके रोजमर्रा के काम चतुराई और कौशल से पूरे हो जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं अनिर्णय की स्थिति भी बन सकती है। इन दिनों में आप अपने महत्वपूर्ण फैसलों में अचानक बदलाव कर सकते हैं। साझेदारी में फायदा हो सकता है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में वैवाहिक जीवन में अनुकूलता रहेगी। जीवन साथी की सेहत प्रभावित होगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको सावधान रहना होगा। परेशानियां भी आ सकती है। इस सप्ताह लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। पार्टनर को आपकी जरूरत है। प्रोफेशनल इन 7 दिनों में बड़ा निर्णय तो लेना पड़ेगा, लेकिन आप समय पर काम ना कर पाने से परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, लगातार काम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो सकते हैं। तुला, ये सप्ताह शुद्ध रहेगा। परिवार में पहेली की तरह चल रही कोई परेशानी का समाधान निकाल लेंगे। आपको दोस्तों और भाइयों से सहयोग मिलेगा और खास काम भी पूरे हो जाएंगे। अलग अलग परिस्थितियों में आपका व्यवहार भी बदलता रहेगा।
आप अनौपचारिक या खुलकर व्यवहार करने से बचें। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, जिसका नतीजा भी आपके ही फेवर में हो सकता है। कारोबारी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। मेहनत और पुरुषार्थ से उन्नति हो सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में खास कामों की प्लानिंग कर सकते हैं। बीच के दिनों में हल्का फुल्का विवाद होने की संभावना है। दुश्मनों से उलझ सकते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में आपको सफलता मिल सकती है। पार्टनर से आपको सहयोग और प्यार मिलेगा। इन दिनों में आपके स्थायी संपत्ति के मामले सुलझ सकते हैं। धन लाभ होगा और सेविंग भी बढ़ेगी। लवलव लाइफ के लिए समय अच्छा रहेगा। पार्टनर से मदद मिलेगी। शादीशुदा लोगों की कोई गलत फहमी भी दूर हो सकती है। करियर स्टूडेंट्स के लिए ये 7 दिन अच्छे रहेंगे। इन दिनों में धन लाभ हो सकता है और शेयर बाजार से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। हेल्थ, किसी तरह की चोट या छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहे। भोजन संबंधित सावधानियां भी रखनी जरूरी है। वृश्चिक, 7 दिन मिले जुले रहेंगे। आप किसी बात को लेकर ज्यादा जिद ना करें। किसी बड़े काम और अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। इन दिनों में कार्यस्थल पर आपकी तारीफ भी हो सकती है। लोग आपका समर्थन कर सकते हैं। सप्ताह के शुरुआती दिनों में गोचर कुंडली में चौथे भाव का चंद्रमा होने से आपको किसी बात की टेंशन बनी रहेगी। थोड़ी परेशानियां भी हो सकती है। सप्ताह के शुरुआती 2 दिन टफ हो सकते हैं। सितारों के बदलाव से आपकी निजी जिंदगी में धन संबंधित नए बदलाव होने की संभावना बन रही है। दोस्तों और भाइयों से जाने अनजाने में आपका नुकसान भी हो सकता है। नई योजनाओं में निवेश के लिए समय ठीक नहीं है, सावधान रहना होगा। जोखिम से बचना होगा। लव पार्टनर से प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस राशि के सिंगल लोग कमिटेड हो सकते हैं। करियर, वृश्चिक राशि के इंजीनियर्स को परीक्षा में आसानी से सफलता मिल सकती है। अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। नई योजनाएं सप्ताह के बीच में शुरू कर सकते हैं, समय ठीक रहेगा। रोजमर्रा के कामों में धन लाभ के योग हैं। हेल्थ, मुंह और दांतों के रोग हो सकते हैं, सावधान रहे। धनु, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक रहेगी। गोचर कुंडली के ग्रह इन दिनों में आपको अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं। सप्ताह के बीच में आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। मानसिक तनाव हो सकता है, वहीं साथ के कुछ लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बड़े कामों की योजनाएं बन सकती है, जिनमें से कुछ पर काम शुरू हो सकता है। सेहत को लेकर यह समय ठीक ठाक ही है। आपकी निजी समस्याओं में कमी आ सकती है। चंद्रमा की स्थिति आपको पूरे सप्ताह व्यस्त रख सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत धन लाभ भी आपको हो सकता है। जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। लव पार्टनर से चल रहा पुराना विवाद खत्म होने की संभावना है। अविवाहित लोगों को नए फैसले लेने पड़ सकते हैं। करियर, ठेकेदारी करने वाले लोग और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। दुश्मनों से सावधान रहेंगे। धनु राशि वाले लोग मौसमी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं, सावधान रहे। मकर, इस हफ्ते आपके फालतू खर्चे में कमी आ सकती है। अच्छा समय भी शुरू हो सकता है। रिश्तेदारों की आवाजाही या भाग दौड़ भी कम हो सकती है। हर उम्र और हर वर्ग के लोग आपसे जुड़ सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिनों में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक योजनाएं बनेंगी, लेकिन हर बड़ा फैसला दूसरों से विचार विमर्श करके ही करें। धन लाभ हो सकता है। प्रेमी का साथ इन दिनों में मिल सकता है। सप्ताह के बीच में साथ काम करने वालों से मदद मिल सकती है। भाइयों और दोस्तों की मदद से धन लाभ हो सकता है। इन दिनों में आपकी लव लाइफ पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा।
प्यार और तकरार दोनों रहेंगी। प्रिय रमकर राशि के स्टूडेंट्स इंटरव्यू में थोड़ा तनावग्रस्त और परेशान हो सकते हैं, लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा। प्रोफेशन के मामले में समय थोड़ा नकारात्मक जरूर हो सकता है। हेल्थ सुस्ती दूर हो सकती है, ताजगी भी महसूस होगी और कार्य करने की नई ऊर्जा भी महसूस होगी। कुंभ राशि वालों के लिए 7 दिन अच्छे साबित हो सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो सफलता भी हासिल कर सकेंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। छिटपुट यात्रा के भी योग बन रहे हैं। धन लाभ और साथ के कुछ लोगों से भी आपको सहयोग मिल सकता है। बिजनेस में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। वाक चातुर्यता से आपको फायदा हो सकता है। सप्ताह के बढ़ते दिनों में दोस्तों से मदद मिल सकती है। निवेश के लिए समय शुभ है। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को फायदा होने की संभावना है। कुछ कामों में किस्मत का साथ मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, उतना ही बोलें जितने के बारे में आपने विचार कर लिया हो, और उसी विषय पर बोलें जिसके बारे में आप जानते हो। लव इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जो आपके लिए यादगार हो सकता है। प्यार बना रहेगा। क्रियर कुंभ राशि के स्टूडेंट्स पढ़ाई में उलझे रह सकते हैं। ये 7 दिन प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छे रहेंगे। कोई बड़ा फायदा भी आपको हो सकता है। हेल्थ और धूप करने से थकान भी महसूस हो सकती है। इस सप्ताह सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। मीन फालतू कामों में समय बीत सकता है। आपका खर्चा भी बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत सेहत संबंधित परेशानियों के साथ हो सकती है। छोटी मोटी परेशानियां भी हो सकती हैं। जो काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने की कोशिश करें। अधूरे कामों से आपका ही नुकसान हो सकता है। आपके विचारों में भी मौलिकता रहेगी। नौकरी में आपकी क्षमताओं की तारीफ हो सकती है। करियर में उन्नति के मौके भी मिल सकते हैं। परिवार, नौकरी, पैसा या दोस्ती से जुड़े खास मामलों में निर्णायक बातचीत हो सकती है। कोई एक अधिकारी सप्ताह के आखिरी दिनों में आपकी मदद कर सकता है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उनमें से कोई आपको एक्स्ट्रा इनकम का तरीका भी बता सकता है। आप लंबी छलांग लगाने के बजाय छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा सफल रहेंगे। आपको सहयोग मिलेगा। मेहनत से धन लाभ हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिनों में आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लव लव लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अनबन के योग बन रहे हैं। पार्टनर की भावनाओं को समझें और संयम से रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें। करियर मीन राशि वाले इंजीनियरिंग फील्ड वाले लोगों के लिए यह हफ्ता ठीक रहेगा। अन्य स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इन दिनों में आपको अचानक हानि भी हो सकती है। हेल्थ बदन दर्द और आलस्य रहेगा। कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है।